ये अकबर बिरबल की कहानी क्रमांक दो है। आपने पहले कहानी में अकबर को बिरबल कैसे मिल गया और अकबर ने बिरबल से कौन सा फार्मूला जाना, यह हमने देखा। द फार्मूला वॉज IIPPCC एंड आया का मतलब आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव, पीपी का मतलब परसीवर फॉर ए प्रॉब्लम, और तीसरा जो है कमिटमेंट फॉर द कॉज CCP था। और अकबर के साथ बिरबल ने काम शुरू कर दिया, काम तो चलते रहता था। और एक बार अकबर अपने किसी मित्र को मिलने गया और वो मित्र ने उसे जानकारी दी, भी देखिए ये ऐसा ऐसा जगह है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल इस्टेट है, वो इंडस्ट्रियल इस्टेट में एक प्लांट जो है वो कोई आदमी बेचना चाहता है, तो तुमको इंटरेस्ट है क्या? तो अकबर ने सोचा कि यार ये कुछ नए प्रकार का प्लांट है, इसको हम ले टेको। अच्छा, तो उसने सब जो कुछ भी थोड़ी उसकी जानकारी लेनी थी, ये धंधा क्यों डूब गया, पहले आदमी को क्या प्रॉब्लम था या किस कारण वो शो चला नहीं पाए, सब उसने जान लिया। और फिर बाद में अकबर ने बोला कि यस, हम वो टेक ओवर करेंगे। जब डिसीजन हुआ तो अकबर ने आके बिरबल को बताया, भाई देखो हमको ये इंडस्ट्री टेक ओवर करनी है, और वहाँ पे जो सब बनी बिगड़ी बातें जो है वो हमको सीधी करनी है और चलाना है। तो बिरबल बोला कि हाँ क्यों नहीं करेंगे, यू डू समथिंग, आई विल गो एंड सी। बिरबल का तो यही सीन है। तो अकबर ने कहा, बिरबल इस टाइम यू आर नॉट गोइंग, यू आर सेंड समबडी हु विल बी एबल टू डू इट, तुमको नहीं जाना है। तो बिरबल बोला कि सर इन दैट केस आई हैव यंग इंजीनियर इन माई माइंड, यू कैन बी सेट देयर। तो यंग इंजीनियर क्यों, एक्सपीरियंस वाला आदमी भेजेंगे? सर एक्सपीरियंस वाला आदमी भेजेंगे तो जो डिफिकल्टी आपको मेरे बारे में आए वही डिफिकल्टी उसके बारे में आए, कि भाई उसको उसका कुटुंब कबीला लेकर वहाँ पर जाना पड़ेगा, बच्चों का एडमिशन है, ये है वो है। यदि हमने अच्छा वाला इंजीनियर भेज दिया कि जिसका शादी नहीं हुआ है, वो जाके एक रूम में रहेगा वगैरह वगैरह, तो मैं नहीं लेकिन मैं मेरा सब्स्टिट्यूट आपको दे सकता हूँ, ही कैन वर्क इन माई प्लेस, समबडी विल टेक ओवर। बोला चाहे सब मैं आपका भरोसा रखता हूँ। तो बिरबल ने बता दिया, भाई आप कीजिए, मैं अगले महीने में काम शुरू कर देता हूँ। तो बिरबल आके उसका जो एक अच्छा इंजीनियर था उसको उसने पूछा, देखो बेटा ये है, यहाँ पर आपको नई इंडस्ट्री फिर से शुरू करनी है, सो देयर इज ऑलरेडी ए सेटअप, वहाँ पे सब है, वो टूटा फूटा है जो कुछ भी है उसकी मरम्मत करके वगैरह वगैरह तुमको वो शुरू करना है, जाओगे? तो ऐसा तो चैलेंज है। और वो जो है बिरबल के आया PPCC के फॉर्मूले के तहत आया था, ही हैड कम टू द पोजीशन वेयर ही हैड शोन हिज कमिटमेंट, भाई मेरे को काम करना। तो उन्होंने बोला जाओ, मैं भी तुमको बिरबल को बिरबल ने बोला जाओ, हम एक बार वहाँ पे जाके देखेंगे, वहाँ की सिचुएशन असेस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो इसलिए वो जो इंजीनियर था उसको उसने अपॉइंटमेंट दे दिया, यू आर गोइंग टू बी इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये शुरू कर दिया। और एक दिन जो है बिरबल उसको लेके उस साइड पर चला गया। साइड में जाने के बाद में देखा इट वॉज केमिकल प्लांट, मैं
केमिकल प्लांट वाला आदमी हूँ, तो मेरी स्टोरी जो है वो केमिकल प्लांट के बारे में भी हो सकती है, वैसे अनेक स्टोरीज है। तो देखा क्या है, बहुत दिनों से प्लांट पड़ा है, उसके कल पुर्जे करोड़ हो गए हैं, कुछ चीज़ें टूट गई है। यू कैन सी जो प्लांट 3-4 साल बंद रहता है उसकी क्या हालत होगी, तो बोलिए अपने को दुरुस्त करके उसे चालू करना है। क्या प्रोडक्शन है वो भी है, वो भी सब आपको मिलेगा। जो आदमी चलाता था उसका आपके साथ में बात किया तो ही प्रोडक्ट मोशन ढूंढ। तो फर्स्ट थिंग इज आपको ये प्लांट चालू होने की पोजीशन में लाना है, बात का बात में देखिए वो रहता हुआ। फिर वहाँ पे निर्बल ने वहाँ के जो सप्लायर्स थे, मटेरियल सप्लायर्स, उनको बोल दिया अपना क्रेडेंशियल बताया हुआ कि मैं आई एम एचआरडी मैन ऑफ दिस इंडस्ट्री कॉर्पोरेट, तो भी आओ साहब आइए। तो वहाँ के जो थे उसको उसमें उन्होंने बोला ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरा कलीग है, रिमेंबर द वर्ड कलीग नॉट माई असिस्टेंट, एंड दिस इज वेयर द एटीट्यूड मैटर्स। If you have good attitude towards your juniors, they will also respond. So he is my colleague, मेरा सहकारी है। सिर्फ यह ऐसा है कि 10,000 से ज़्यादा का यदि उसने रिक्वायरमेंट दिया तो एक बार मुझे फोन करके पूछ लीजिए, बिल्कुल साहब ये ऐसा आया है क्या करेंगे, क्योंकि कभी कभी अंडर एस्टिमेट और एस्टिमेट हो सकता है, उसमें मैं मेरा कुछ डाल सकता हूँ, आई कैन पुट इन माय। तो ओनली थिंग इज अप टू 10,000 रुपीज। अब ये 20 साल पुरानी है बात, तब 10,000 का कुछ मोल था, आज शायद वो 50,000 होता बात अलग है, बट दिस इज लिमिट बिलो दैट। फिर बाद में उन्होंने एक जगह बैठ के क्या क्या करना है, वे एक पल सिक्यू करके चाहता है कि आप एक्टिविटीज लिस्ट करते हो, और वो एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटीज जो है वो साइमल्टेनियसली होती है, उनके लिए लगने वाला समय अलग होता है, और कुछ एक्टिविटीज जो है वो एक एक्टिविटी होने के बगैर नहीं चल सकती, नहीं हो सकती। तो इस एक्टिविटीज को एक पल सिक्यू चार जिसको कहते हैं उसमें तकलीफ कर दिया है कि हम आज चालू करेंगे। आज ये टीम जो है ये एक्टिविटीज एक ही जगह पर हो सकती है, फिर बाद में यदि जब तक ये नहीं होता तब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होता तब तक ये नहीं होगा, फिर ये जो है ये दोनों होने के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर इसमें और एक आप भैया है, दूसरा ये है, तीसरा, और ऐसे करके आखिरी में जो है ऑल दिस मस्ट टुगेदर एंड स्टेज। ये होने पर ये नहीं होगा, ये दोनों होने पर ये नहीं होगा, ये होते रहे ऐसा पर्सपेक्टिव वो भी उन्होंने बता दिया अंदाज करके कि इसके लिए कितना समय लगने वाला है, इसके लिए कितना समय लगने वाला है। दे ड्रू ए पर्सपेक्टिव चार्ट और हुआ ऐसे कि भी देखो ये थोड़ा सा और जगह है, तो ऐसा करना कि हर बुधवार मुझे फोन कर देना शुरू, या हम अपॉइंटमेंट कर देंगे। उस समय तुम्हारा फोन आ गया तो मैं समझूंगा कि ठीक सर गोइंग वेल, यू आर रिपोर्टिंग मी, तुम मुझे बता रहे हो कि गत हफ्ते भर में कितना काम हुआ और आगे कैसे है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑफिस, बच्चा भी मान गया सांस, मैं आपको बुधवार को यह समय फोन करते रहूँगा। तब कुछ दिन के बाद में सडनली सोमवार के दिन बोलो उसका फोन आ गया, तो बिल्कुल समझा कि कुछ गड़बड़ी है, क्या हो गया। तो बोले सर ये कॉन्ट्रैक्टर ने अपने को जो रिएक्टर है वो रिएक्टर बैठाने के लिए हम जो कॉलम डाले थे वो एक कॉलम तिरछा कर दिया। वो क्या हुआ। नहीं सर तिरछा कॉलम है, तो जब वो
रिएक्टर में का जो तरल है जो ये होता है घूमता है सामान लेके अंदर का यू नो मिक्सर स्तर, सो मिक्सर में जैसे ये होते हैं ब्लेड्स होते हैं, तो ब्लेड यदि घूमेंगे वो टेढ़ा होगा तो हिलेगा और कुछ ब्लेड टूट जाएगा, बहुत तो प्रॉब्लम है। अब ये यदि हमको फॉर्म टूटना है तो 20 दिन फिर से हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि डेट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू ट्राई द फॉर्म मिक्सर। तो बीरबल ने बोला कि अच्छा ओके मैं कल ही आता हूँ और तुमसे बात कर लेते हैं देख लेंगे क्या है। बीरबल को बीरबल ने अकबर को बताया कि मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा, अच्छा थोड़ा डिफिकल्टी है। अब देखिए अकबर ने उसको पूछा नहीं क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था बीरबल में कि बीरबल अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी मुझे भी माइनर प्रॉब्लम ओके जाके ओके। तो अकबर ने बीरबल को जाने की परमिशन दे दी और बीरबल साहब चले गए। वहां पे जाके देखा तो भी कैसा है टेढ़ा क्या है, तुमने कैसा देखा? तो उसने बोला कि देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट इसका मैं वो ये लेता हूँ, वो एक छोटा सा गोला होता है और आप बोला इनको मैं घर गए हो बिन दिलचिए तो वो बाहर आता है नहीं तो जैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर। और मैं बोला कि बराबर टेढ़ा है थोड़ा सा क्यों थोड़ा टेढ़ा है तो ये क्या करेंगे हम क्या करेंगे क्या उसको बुलाओ अपना जो ये है कौन कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को बुला कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया बोला उसको जितना गाली देना है उतना तुमको तुम्हारा सुना नहीं इसने तो ओके हम चालू कर देंगे। तो उसने जो है बच्चे ने जो कुछ भी उसके मन में था वो सब बीरबल के सामने उस पर डाल दिया। अच्छा अब वो होने के बाद में फिर उसने पूछा अब क्या करेंगे कॉलम तोड़ना है तो कॉलम तोड़ने से तो फिर बीरबल ने बोला कि देखो इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर क्यों कि ये तिरछा है तो हम ऐसा करेंगे कि इसको बाजू से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसमें जो है उसकी जो प्लास्टरिंग है उसको चिपिंग करेंगे और चिपिंग करके एक बाजू से दो बाजू से जो सीगल में है सलिया डालेंगे उसको वेल्ड करेंगे और वो जो कॉलम है उसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे एक दो इंच इधर उधर ताकि जब वो उसका आप प्लास्टर करेंगे तो इट विल बिकम ए यूनिफॉर्म। तो बच्चा बोलता है ऐसे कैसे देखो इसी के लिए तो सफेद बाल होता है ना तुम भी सोच पाए मैं बताता हूँ। अच्छा तो उनका डिसीजन हो गया कि इसका इसको तिरछा करने से सीधा करना है तो उसका विड्थ बढ़ाया जाए वेल्डिंग करके वो टिपिकल प्रोसीजर हो गया। फिर आखिरी में फाइनली द प्लान वाज सबमिशन एक बार बीरबल जाके देख किया अभी ठीक है तो बोले कब नेक्स्ट वीक अकबर साहब कैन कम एंड इनॉग्रेट द प्लान चलो वेरी गुड। सो नेक्स्ट वीक अकबर एंड बीरबल प्लान फॉर ए विजिट चलो जाना है और मीडिया बोलना है ये लोग कहे अकबर बीरबल। तो प्लान में एवरीथिंग वाज अकबर जब इनॉग्रेशन होता है सब चकाचक होता है बीरबल वॉज टेकिंग हिम नाउ एंड वो जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट था वहाँ पे वेसल बैठाया था और बिल्कुल सामने एक बड़ा बोर्ड लगाया था और उस बोर्ड पे वो कैसे इक्विपमेंट कैसे चलाना है इसकी पूरी जानकारी लिखी थी कि भाई पहले ये करो फिर वो वाल करो पूरा जानकारी। तो
अच्छा अरे वाह इतना है, ये सब जानकारी है, तो इसके काम करने वाले जो भी वर्कर होंगे उनको मालूम होता होगा, तो किसने किया है? तो बिल्कुल ने बोला कि वो देखो हमने जो बच्चा भेजा था उसने काम किया है, एंड ही हैज डन दिस वंडरफुल वर्क आल्सो, ही हैज गिवन द इंस्ट्रक्शन बोर्ड, वेरी गुड। बिल्कुल अब आपका फॉर्मूला कहाँ पर आया? बिल्कुल बोला कि आई विल रिकमेंड दिस पॉइंट फॉर प्रमोशन फॉर वन मोर रीजन। बोल क्या है? ऐसा है सर, मेरा फॉर्मूला सिर्फ IIPPCC तक ही लिमिटेड है, लिमिटेड था। हम जब निकले तो मुझे मन में ये डर था कि ये एक बड़ा कॉलम और तीन छोटे कॉलम में चार कॉलम पे, तो आप पूछेंगे कि ये बड़ा कॉलम कैसे आ गया, वाई दिस इज सिर्फ। लेकिन ये बच्चे ने उसका जो सौंदर्य है बिगड़ ना पाए, उसमें ये कमतरता है, उसमें जो कमी है वो सामने ना आ पाए, इसलिए उसने वहाँ पर बोर्ड लगा दिया। अब आप देखिए ये कॉलम का वेट कैसा है, यहाँ ज़्यादा है, क्यों कैसा हुआ? फिर बिल्कुल ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, उसने मेरे को अर्जेंटली बुला लिया था, फिर हमने ये इसका सॉल्यूशन, इसको कहेंगे ये कैसे सुलझाना है, निकाला और ये हो गया। लेकिन उसने जो बोर्ड लगाया उसे आप खुश हो गए और अच्छा दिखता है। तो ये मेरे फॉर्मूले में नहीं है कि देर इज सम एस्थेटिक सेंस, something which is art can be decorated and made more useful than the other things। इसलिए मैं इस बच्चे को आपको strongly recommend करता हूँ कि ये plant का इसको इंचार्ज बना दीजिए। ऑफ कोर्स अकबर वॉज वेरी विलिंग, वेरी विलिंग टू डू इट। तो लेकिन बिल्कुल मैं कुछ दिन उनको भेजना चाहता था यहाँ पर सबसे तो अकबर ने बिल्कुल ने बोला कि सर भेजने की जरूरत नहीं है, मैं पोजीशन में ये पोजीशन में होकर जो करता कर सकता था वो ये बच्चा नहीं करेगा। सो यू नीड नॉट सेंड मी, ही विल वर्क इन माय पोजीशन, मेरी जगह पे ये काम कर सकता है। देन द बॉय वाज गिवन अपॉइंटमेंट, ही वाज मेड इन चार्ज ऑफ द प्लांट। Thank you very much.